किसानों के लिए सहायता दी है कि आपकी फसल बनो सब्जी की है, फलों फूलों की है, तो अगर बहुत कम दाम आपको मिलता है तो उसकी जो लागत है उस लागत से अगर घाटा उसको पड़ता है तो घाटा सरकार देगी, फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। भावांतर भरपाई योजना लागू करके हमने इसे 16 फसलें, जो 16 सब्जियां हैं, फल हैं, ये उसके अंदर डाल दिए हैं ताकि इसके लिए, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होती, इसका बीमा नहीं होता, तो इस घाटे का पैसा भी भावांतर भरपाई योजना के अंदर वो सरकार दे रही है। ऐसे ही खरीद, चाहे वो बाजरा है, चाहे सरसों है, इस इलाके की तो विशेष फसलें हैं ये, तो बाजरा सरसों भी सरकार पूरा खरीद रही है, एक एक दाना, इसमें भी किसी को घाटा नहीं होने देंगे, MSP पर सबका खरीदेंगे। एक छोटी सी शर्त हमने जरूर लगाई है कि हर किसान अपनी फसल को बोलने के बाद तुरंत उसको रजिस्टर कराए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कई उसमें गड़बड़े हो जाती हैं, हम तो अपने प्रांत के किसान का लेना चाहते हैं, जो रजिस्टर नहीं करेगा उसको कहा कि इसका खरीदना होगा, बाद में खरीदेंगे, पहले खरीदेंगे जो अपने किसान का रजिस्टर किया हुआ, उसने अपने आ करके लिखवा दिया कि मेरी यह फसल बाजरा बोया है, गेहूं बोया है, धान बोया है, सरसों बोई है, जो कुछ बोया है उसमें लिखना चाहिए, ताकि मंडी में जाने के बाद खरीद के समय समस्या ना आए।